अब बात करें कि वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का अजलास हुआ। लाहौर में जारी अवामी सहूलत के तरक्याती कामों और मुजवजा मनसूबों का जायजा लिया गया। वज़ीरे आज़म की तमाम जारी मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं, साबका हुकूमत ने पंजाब की तरक्की के कामों को दानिस्ता तौर पर रोका। पंजाब की आवाम से मुस्लिम लीग नून की हिमायत का इंतकाम लिया गया है। तफसीलात जानते हैं शबीर हैदर से। शबीर हैदर, इजलास का हवाल बताएगा। हाँ जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में जारी अवामी सहूलत के तरक्याती कामों और मुजवजा मनसूबों के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मशीर वज़ीर-ए-आज़म आदहम चीमा, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मुहसिन रज़ा नकवी और वफाकी और सूबाई अफसरान ने शिरकत की और इजलास को इमामिया कॉलोनी फ्लाई ओवर के मनसूबे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई और जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने मनसूबे को अवाम के इस्तेमाल के जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत की और इजलास को गुजरांवाला के अवाम की सहूलत के लिए लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड के मुजवजा मनसूबे के हवाले से भी आगाह किया गया। और इस पर जो है वज़ीर आज़म ने इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब को एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने की हदायत की और कमेटी आइंदा इजलास में जो है इस मनसूबे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग पेश करेगी। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब की तरक्की का सफर जो हमने शुरू किया था उसे गुज़श्ता हुकूमतों ने दानिस्ता तौर पर रोका और पंजाब की आवाम से मुस्लिम लीग नून की हमायत का इंतकाम लिया गया। लाहौर में नए मनसूबे तो दरकिनार, हमारे शुरू किए गए मनसूबों को तो अतल का शिकार रखा गया। और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि गुज़श्ता हुकूमत के 4 साल पंजाब को एक नाहल और कठपुतली वज़ीर आला के सुपुर्द किया गया और पंजाब की तरक्की पर तवज्जो की बजाय वज़ारत आला के मनसब को वफाक में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और अवामी फलाही मनसूबे जो एक अब तक मुकम्मल होकर लोगों की मुश्किलात में कमी कर चुके होते, साल साल तखीर का शिकार रहे। इन तमाम जारी मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया शबीर हैदर इस तफसील का।